रक्षा लेखा आपका एक प्रमुख कार्य रक्षा मंत्रालय के संगठनों को वित्तीय सलाह प्रदान करना होता है और इस वर्ष रक्षा बजट के लिए 5.25 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं, जिनके लिए उचित खर्च सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रक्षा लेखा विभाग की है। सही समय पर वित्तीय सलाह प्रदान के लिए डोमेन एक्सपर्टीज के साथ क्लाइंट की जरूरतों की संवेदनशील समझ होना भी, यह भी मैं मानता हूं कि यह आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि आईएफए सीएफए का जेम पोर्टल पर इंटीग्रेशन जून 2022 से प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रोक्योरमेंट कॉन्करेंस और सैंक्शन की प्रोसेस डिजिटल होगी। इसे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आएगी और साथ ही साथ पारदर्शिता के साथ साथ शुचिता भी आएगी। ऐसे में यह सेशन फाइनेंशियल पावर्स की डेलीगेशन और डिसीजन मेकिंग से जुड़े मुद्दों की समझ में बहुत सहायक होगा, ऐसा भी मेरा मानना है।